घंटों से इंतजार कर रहा हूँ कि राधा रानी अब आएंगी, अब दीदार होगा। तस्वीरें लाई हो? हाँ ले आई हूँ। वाह 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 वाह, क्या तस्वीरें! अरे देखते ही नहीं जाने कितनी नई फिल्म कंपनियां खुल जाएंगी। सच? मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना? अरे टॉप के रुपए लाइयो खर्चे पाने के लिए। लो बस, हर काम चला लूंगा और जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा। अच्छा फोटो जल्दी भेज देना। दुनिया बूढ़ी हो जाए मगर इस रुपए की कौम पर कभी जवाल नहीं आया। चिट्ठी ने तार कुछ खबर तो कर दी होती। माँ मैंने सोचा अचानक पहुंचूंगा तो आप लोगों को ज्यादा खुशी होगी। चश्मे बद्दू, अरे आप तो बिल्कुल 9 साल पहले की लक्ष्मी अभी लग रही हैं। आया और लगा बातें बनाने, शरीर कहीं का। नमस्ते भैया। अरे वाह वाह वाह, क्या हेयर स्टाइल बना रखा है! डरता हूँ कहीं फिल्में देख देख कर एक दिन तुम फिल्म स्टार ना बन जाओ। देखो ना माँ। मोहन। हेलो डैड, कांग्रेचुलेशंस! सचमुच आपने चांद को घर में लाकर जमाने में एक नई मिसाल कायम कर दी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माँ तुम्हें भी फक्र करना चाहिए, कितने ग्रेट हस्बैंड हैं तुम्हारे। है? मैं रवि जी भैया से मिलकर आया। इतना बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया अभी तक। मोहन, 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 मोहन। नमस्ते जी। कब आया? ओ चांद, चांद, ये चांद, मोहन, ये चांद है, चांद ये मोहन है, मेरा छोटा भाई, बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। नमस्ते। नमस्ते। फिर वही हरकत, चलो ठीक से पहनो। कैसी लगी? भैया ये तो बिल्कुल आपकी कविता मालूम होती है। कविता, गजल, सपना। विजय बाबू होश में आइए, चलिए जाइए अंदर, जाइए। देखा, रूठ गई। जाता हूं, जाता हूं। आपने विजय भैया को बिल्कुल बदल दिया जी। जी मैं सच कह रहा हूं। अबे ओ इंजीनियर के दम, कब आया? अबे बिहारी, अबे इधर आ। दिवाली मनाने आया? और क्या, मिताली जी की दिवाली की पार्टी भूल सकता हूँ? और जानता है इस बार की पार्टी दरिया में बजरे पे होगी। अच्छा फिर तो मजा आ जाएगा। क्या कहना है, आप भी जरूर आइएगा, हमारी महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। लूटने वाले याद रखें, हम दुनिया से चले जाएंगे। माफ कीजिएगा मोहन बाबू, कहीं आपके भैया ज्यादा न लूट जाए। और फिर रहशत हम अपनी बादे फना छोड़ जाएंगे, फिर वो फिरेंगे चार गरे बांक किए हुए। नमस्ते किशोर भैया। भैया पिताजी की नजर का भी कोई जवाब नहीं, बेल्जियम कट का तराशा हुआ हीरा चांद के रूप में लाकर रख दिया घर में। देखो मोहन, चांद को ज्यादा सर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भैया चांद तो खुद सबके सर पे रहता है। बको मत, तुम जानते हो वो कहां से आई है, अरे उसके ऊपर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, लो आ गया वो भूत। ओ तुम ठहरो। कौन है ये? बेल्जियम कट का मुंह बोला भाई। यहां क्यों आया है? अभी अपनी आंखों से देख लेना। ये लो 1000 रुपए। तुम्हें कई बार कहा है कि इस हालत में यहां ना आया करो,
अब ख्याल रखूंगा ठाकुर साहब। वो दरअसल चांद की माँ बहुत बीमार है, इस घबराहट में आ गया। हो सके तो चांद को भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा। अब बहुत याद करती है वो। हाँ हाँ भेज दो भेज दो। आराम से आराम से। देखा, हर महीने इसी तरह हजार रुपए जाते हैं। भैया, जब बाजार जाते हो और अपने आराम की चीजें खरीदते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं या मुफ्ती ले आते हो? मोहन, जल्दी से हाथ मुंह धो ले और अपने भैया के साथ खाना खा ले। भाभी, शेरों के मुंह तो धुले धुलाए हैं, खाना लो जल्दी, बहुत भूख लगी है। आओ भैया। ओ भैया, मगर यार समझ में नहीं आता कि इस तार के बाद रोजी किशोर को छोड़कर तू इसे कैसे मोहब्बत करने लगेगी। कानून की जुबान में अबे वकालत के दुश्मन, अगर इतना ही तेरी समझ में आ जाता तो तेरा ये धंधा मंदा क्यों होता। बेटे, पैसे की जबान बड़ी लंबी होती है। जब रोजी को ये पता चलेगा कि मेरी आंटी मेरे नाम पर 5 लाख रुपया छोड़कर मरी है, तब देखना कैसा पलटा खाती है जिमनास्टिक की जबान में। योर आंटी एक्सपायर्ड, लीविंग 5 लाख्स इन योर नेम, कॉन्टैक्ट जानकी दास MA LLB एडवोकेट। 5 लाख्स? महेश, पुअर महेश, सॉरी, बहुत बुरा खबर है। क्या? तुम्हारा आंटी मर गया। अच्छा अच्छा। क्या, हमारा आंटी मर गया? अरे अरे आंटी। महेश, डियर महेश, डोंट क्राई। डियर आंटी, आंटी डियर। Don't cry. देखो, गॉड का मामला में कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे रोजी, अभी आंटी के मरने के दिन नहीं थे। क्या एक स्थान जी का? ओनली 101 101 101। ये भी कोई मरने का एज है? Yes, darling, very young, बहुत जवान। तुम्हारे पास चॉकलेट है? मुझे दो। I'm sorry, हम जो रोता है तू चॉकलेट बहुत खाता है। तुम्हारे पास और चॉकलेट है? नो, आई एम सॉरी। रो मत, दूसरा खबर सुनो, बहुत अच्छा है। क्या है? तुम्हारा आंटी तुम्हारा नाम 5 लाख रुपया रख गया। आई एम सॉरी। नो डार्लिंग, रख सकता है। सच्ची? अरे गॉड, हमको इतना बहुत सा रुपया किसके लिए दिया? हमारा बीवी हमको प्यार ही नहीं करता। लेकिन डार्लिंग, गॉड बिना कॉज के पैसा नहीं देता। तुम ऐसा करो, अपना वाइफ को डाइवोर्स दे दो, तलाक कर दो। तलाक? अरे गुड आइडिया। लेकिन हम रंडवा हो जाएगा, अकेला मर जाएगा। नो डार्लिंग, गॉड ने हमको ड्रीम में बोला महेश से अच्छा बॉयफ्रेंड तुमको नहीं मिल सकता। लेकिन तुम तो किशोर को प्यार करता है। नो डार्लिंग, हम तुमसे बोल न सका, तुम्हारा फेस बिल्कुल कस्टर्ड पुडिंग जैसा है। सच? यस। तब तो हम अभी वकील के पास जाएगा और अपनी बीवी को तलाक का नोटिस देगा। अभी नहीं डार्लिंग, हम भी तुम्हारा साथ चलेगा और साथ में अंकल जॉनसन को भी ले जाएगा, वो लीगल पॉइंट्स बहुत अच्छा जानता है। अच्छा 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 अच्छा। डार्लिंग। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये कभी नहीं हो सकता। देखो हीरा भाई, मेरे नारी सभा के प्रेसिडेंट होने का तुम फायदा नहीं उठा सकती। मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि चांद मेरी बेटी है। याद कीजिए, आज से कोई 20 साल पहले मेरठ के आगे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिल्ली के एक मुजरे से लौट रही थी।
उसी डिब्बे में आप, आपकी बीवी और आपकी दो छोटी छोटी बच्चियां सफर कर रही थी। आप कितने जख्मी हो गए थे, आपकी बेहोश बीवी और बड़ी लड़की खून में लथपथ एक तरफ पड़ी थी, छोटी लड़की दूर जा पड़ी थी। मैं पहले इसे उसे देख देख कर ये सोच रही थी, काश मेरे भी एक ऐसी लड़की होती, मौके का फायदा उठाकर मैं बच्ची को ले भागी। अब तो यकीन आ गया आपको, चांद आप ही की बेटी है सतराम दास जी। नहीं नहीं हीरा भाई, मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं मान सकता कि चांद मेरी बेटी, मेरी बेटी उस हादसे में मर गई थी। नहीं नहीं वो जिंदा है। अगर बफर से मोहन वो जिंदा भी है तो इस माहौल में अगर वो मेरे लिए मर चुकी। सतराम दास जी उस मासूम को इस तरह न ठुकराइए, उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसके माँ बाप कौन है, उसे अपना लीजिए। नहीं नहीं ये कभी नहीं हो सकता। सतराम दास जी उसे अपना लीजिए, सतराम दास जी उसे अपना लीजिए। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे अपने से अलग कर दिया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं ऐसे न कहो, ऐसे न कहो, तुमसे बढ़कर कौन अपना हो सकता है जिसमें माँ की ममता और बाप का प्यार दोनों सुरते देख ली। मेरी बच्ची, मैं अब शांति से मर सकूंगी। माँ माँ मुझे छोड़ के ना जाओ, माँ मुझे छोड़ के ना जाओ। आखिर दुकान से जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है जो घर से लेना चाहते हो? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं, तो देख लीजिए हिसाब किताब। अब मुझे परेशान ना करो, बाद में देखूंगा। देख लिया, पिताजी समझते हैं कि मैं रुपया कारोबार में नहीं लगा रहा हूँ, अपने आप पे उड़ा रहा हूँ, और ये नहीं देखते कि विजय पर कितना रुपया बेकार जाया हो रहा है। किशोर भैया, इसमें हमारे भाई की जिंदगी का सवाल है और आप इसे बेकार कहते हैं? बेकार नहीं तो और क्या, उसके इलाज के लिए और कोई तरीका नहीं था सिवाय बाजारी लड़की के जिस पर हजारों लुटाए जा रहे हैं। और ज्यादा लुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लीजिए अपना एग्रीमेंट। देख लेना मोहन, मां बेटे की इसमें भी कोई चाल होगी। भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ न कही, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वकील साहब, वकील साहब, योर ऑनर, अंडर सेक्शन 444। वकील साहब देखिए गवाह भी आ गए हैं, मिस्टर जॉनसन और मिस रोजी। प्लीज साइन साइन। हाँ तो वकील साहब वो ये 5 लाख मिलने में कितने दिन और लग जाएंगे? 2 हफ्ते। लेकिन ख्याल रहे 5 लाख मिलने से पहले मेरा बीवी से तलाक हो जाना चाहिए। ओह यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सोना आने कानून की जुबान में। जी पति। हाउ स्वीट ऑफ यू। हाँ वो कोर्ट फीस और स्टैंप ड्यूटी के लिए जो मैंने 10,000 रुपए कहे थे वो लाए है ना? हाँ क्यों अंकल जॉनसन, लाए हो ना? अंकल प्लीज हेल्प हिम। श्योर श्योर, कैश नहीं है, चेक चलेगा? जी चलेगा, क्या दौड़ेगा। दौड़ के कैश कराता हूँ और दौड़ के अभी आता हूँ। श्रीमान वकील साहब आपके धंधे का टाइम है, लाइए मैं कैश करवा लाता हूँ। अरे मुबारक हो समझ। आपको भी। प्रणाम। जीते हो बेटी। महेश नहीं आया? जी
आज दिवाली के दिन भी आपने दामाद को नहीं बुलाया? जी बुलाया तो था लेकिन दीदी लक्ष्मी भाभी को मैं प्रसाद दे आऊं। आखिर ये कब तक चलेगा? वो वहाँ घर संभाल रहा है, ये यहाँ मैके बैठ के तपस्या कर रही है। अब आप ही इसे कुछ समझाइए। समझाऊंगी, लेकिन बात क्या है, आपने यहाँ आजकल आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। जी कुछ नहीं, बात दरअसल ये है कि जी बात क्या होगी, तुम्हारे सब्जी साहब गैरों में इतने मशगूल हो गए हैं कि आप लोगों को भूल गए हैं। जी ये बात नहीं है। अच्छा चलिए अंदर चलिए। दिए हर बरस चलते हैं, घर रोशन हो जाता है, लेकिन मेरे मन का अंधेरा न जाने कब दूर होगा। कितना शुभ दिन होगा जब मेरा विजय भी हमारे साथ बैठ के दिवाली मनाएगा। माँ देखो विजय आ रहा है। विजय आओ बेटा आओ। आओ बेटा आओ बेटा। आई दिवाली आई दिवाली, लड्डू खाओ बर्बर थाली, नाचो कूदो टेके ताली। माँ तू रो रही है? माँ नहीं बेटा। माँ तू रो रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ऊपर जाओ जाओ ना। खुश है तू माँ? तू खुश है माँ? पिताजी भाभी माँ खुश है, माँ खुश है, माँ खुश है। माँ बेटा देवी की पूजा करें। हाँ देवी हाँ पूजा आप जा। मामा मैं ये अगरबत्ती जलाई हूँ। हाँ ये अगरबत्ती जलाते अच्छा अब मिठाई काट जा। हम सब मिठाई खाते हैं। ये लो ये लो टूटो। नहीं बेटा तू खा। अच्छा मामा तुम लो तुम लो। अब पिताजी आप लीजिए आप लीजिए। अच्छा आप लीजिए। अच्छा मामी जी को मिल रहा है। क्या करूं मैं? क्या देख रहे मोहन बाबू? उस जादूगर को जिसका करिश्मा मैं अभी नीचे देखकर आ रहा हूं। सचमुच आपने एक पागल को बिल्कुल अच्छा भला बना दिया। लेकिन कहा तो ये जाता है कि हम अच्छे भलों को पागल बना देते हैं। और भी तो मैं नहीं जानता लेकिन मुझे जरूर कुछ आप अपने जो ठहरे। शुक्रिया। किस बात का? आपने मुझे अपना जो समझा। अरे अरे बिहारी आओ। चकोर तो यहाँ चांद के चक्कर काट रहा है, उधर पार्टी में देर हो रही है। हाँ चल चल मोहन पूजा में देर हो रही है। हे मामा पूजा जिसको करनी वो करे, ये कोई हमारा काम थोड़ी है। मामा आओ मेरे साथ, तुम्हें भी जन्नत की सैर करा दे। जिंदगी क्या चीज है आंखों से दिखा दे मामा। जन्नत? हाँ मामा जन्नत। जन्नत मैंने जन्नत कभी नहीं देखी। चलो मामा जन्नत देखेंगे। लेकिन नीचे से बैठे हुए हैं। अरे नीचे से कौन जाएगा भाई, मैं पीछे के दरवाजे ले चलता हूँ तुम लोग को। चलो पीछे के। चलो मामा देर मत करो चलो।